तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, जवान के डे 23 यानी कल फ्राइडे की ऑफिशियल फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आ चुकी है। पूरी दुनिया से कितना क्या कलेक्शन किया है, इंडिया से कितनी कलेक्शन करी है, हिंदी से कितनी कमाई करी, तमिल तेलुगू से अब क्या रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि हाल ही में एक साउथ की ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज करी गई है, तो वो इफेक्ट डाल रही है नहीं डाल रही है वो अभी देखेंगे। तो ओवरसीज से कितनी कमाई करी, पूरी दुनिया से अभी तक ये मूवी कितनी कमाई कर चुकी है, डिटेल सारी बातों पर एक एक कर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है और वीडियो को एक लाइक जरूर करना है, क्योंकि बहुत एफर्ट मारते हैं यार हम आपको ये प्यारी प्यारी अपडेट्स देने के लिए। जवान की जो ये स्कीम चल रही है ना, बाय वन गेट वन फ्री की, सॉलिड काम कर रही है। बाय गॉड, जो मेकर्स ने जो माइंड गेम खेला है एकदम हुकुम का इक्का वाला है ना, फेवर में जा रही है पूरी कहानी। क्योंकि फुकरे 3 जो हाल ही में रिलीज हुई है, आज तीसरा दिन था, और वैक्सीन वॉर का भी आज तीसरा दिन था, तो इन मूवी की जो कलेक्शन है, इन दोनों मूवी की कलेक्शन को मिला के कहीं एक दिन की कलेक्शन से बीट डाउन कर रही है इन दोनों को जवान। बाय गॉड, क्योंकि फुकरे 3 का मैं पहले दो दिन का कलेक्शन बताऊं तो 16 करोड़ का हुआ है और 8-8 करोड़ की कलेक्शन ये हर दिन कर पाई है, ओपनिंग डे में और सेकंड डे में। लेकिन जवान हर दिन पूरी दुनिया से फुकरे 3 के कलेक्शन को सिंगल डे में बीट डाउन कर रही है 23वें और 22वें दिन के अपने कलेक्शन के मुकाबले में, लाइक 10 करोड़ 12 करोड़ का कलेक्शन लेके आ रही। तो अभी वो बताऊंगा मैं उसके आगे। अभी वैक्सीन वॉर को इतनी बुरी तरीके से धूल चटा रखा है कि 3 करोड़ का ही मात्र कलेक्शन आ रखा ओपनिंग डे और सेकेंड डे का। तो हिंदी से कल जवान ने कितनी कमाई करी है, 4.9 करोड़ की। तमिल तेलुगु से कितना कमाया है, 15 लाख रुपए। हाँ, तमिल तेलुगु में अब जवान का कोई डंका नहीं बच पाएगा, जवान बिल्कुल वहाँ से पिटने वाली है और सॉलिड पिटेगी। अभी तो क्योंकि 22वें दिन की कलेक्शन कितनी आई थी, 16 लाख रुपए, और आज आया 15 लाख रुपए। तो ये डे बाय डे कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा, क्योंकि साउथ में रामपुथिनिनी की स्कंदा मूवी जो रिलीज करी गई है, और साउथ की ऑडियंस हमेशा अपनी रीजनल मूवी को ही प्रेफरेंस देते हैं, और बॉलीवुड की या हिंदी मूवी मैं कहूँ तो साउथ में इतना कोई भाव मिलता नहीं है। लेकिन जवान ने एक ऐसा मुमकिन करके दिखाया था कि इतनी अच्छी कलेक्शन ले आ पाई वो अभी तक 22-23 दिन कंप्लीट करते हुए 58 करोड़ की, वरना ऐसी कोई कलेक्शन आज तक कोई ला ही नहीं पाया। तो जवान को जितनी कमाई करनी थी इसने कर ली है, इसीलिए बाय वन गेट वन फ्री भी दे रहे हैं, तो अभी ने कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कमाए या नहीं आए। हालांकि मेकर्स इतनी सोच भी नहीं रहे हैं जितनी कलेक्शन इन्हें रोज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि साथ में ज़बरदस्त कंपटीशन चल रहा है। गदर 2 अभी भी चल रही है, द ग्रेट इंडियन फैमिली विकी कौशल की अभी भी चल रही है, दो फिल्में और आ गई, फुकरे 3 वैक्सीन वॉर, साउथ में स्कंदा मूवी आ गई है। तो लगातार फिल्में आ रही हैं लेकिन जवान को टस से मस नहीं कर पा रही। जवान की अब क्या है ना, मेकर्स को इतनी उम्मीद नहीं है कि इतनी हाई इनकम आएगी, बट उम्मीद पे खरी उतर रही है, अनएक्सपेक्टेड नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल नेट इंडियन कलेक्शन कल आया है ऑफिशियली 5 करोड़ का, और ओवरसीज से कल कमाया है कितना, 6 करोड़। ग्रॉस इंडियन कमाया 6 करोड़, तो टोटल पूरी दुनिया से कल कितना कमाया, 12 करोड़। देख रहे हो, फुकरे 3 जो सेकेंड डे था उसका, नई ताजी फिल्म थी, उसकी सेकेंड डे पे कलेक्शन कुल 8 करोड़ की आई, और मूवी ने जवान ने अपने 23वें दिन में 4 करोड़ ज़्यादा कमाई करके दिखाया। तो देख सकते हो कि अब फैन फॉलोइंग है, कितना प्यार मिल रहा है मूवी को, बाय गॉड अमेजिंग है। तो इसी के साथ अभी तक अगर मैं पहले 23 दिन तक के हिंदी से कलेक्शन बताऊं, जवान कितनी कर चुकी है, 530 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। एक्चुअल आंकड़ा है 530.40 करोड़ का, 530 करोड़ ही मान के चलो, ह्यूज कलेक्शन। हिंदी में कोई भी मूवी अभी तक नहीं थी इतने आगे। कल लास्ट गदर 2 के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को, जो नंबर 1 पर बैठी थी पठान को खदेड़कर, उसे बीट डाउन किया और आज एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। तमिल तेलुगु से पहले 23 दिन में मूवी अभी तक 58.97 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन कर चुकी है, 0.3 लाख, सिर्फ 3 लाख कम थे, और ये मूवी 59 करोड़ ही मान के चलो कल इतना कलेक्शन इसने कर लिया है तमिल तेलुगु से। साउथ में कभी भी नहीं मिलता हिंदी फिल्मों को इतना फुटेज। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, आप किसी भी बड़ी से बड़ी फिल्मों के कलेक्शन को देख लो और साउथ के कलेक्शन का कंपैरिजन कर लेना जवान से, आपको कम ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। टोटल नेट इंडियन कलेक्शन अभी पहले 23 दिन का कितना हो चुका है, 589.37 करोड़। इट मीन्स ये कि 589 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन ये टोटल नेट इंडियन कलेक्शन अपने खाते में रख चुकी है। ग्रॉस से हो चुका है अभी तक ग्रॉस इंडियन कलेक्शन पहले 23 दिन का 705 करोड़ का, ह्यूज कलेक्शन। ओवरसीज से ये पहले 23वें दिन में 350 करोड़ का कलेक्शन ले आ चुकी है मूवी, और पूरी दुनिया से इस मूवी ने जवान ने 1055 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन अपने
खाते में रख लिया है। तो भाई साहब, पठान का जो वर्ल्ड वाइड लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड था 1050 करोड़ का, जो हिंदी में बॉलीवुड में कोई भी मूवी सेट करके नहीं बैठी थी, पठान ने सेट किया था, उस रिकॉर्ड को जवान से शाहरुख खान ने अपनी ही फिल्म के रिकॉर्ड को खदेड़ दिया। तो भाई गॉड, जवान के रिकॉर्ड को कौन तोड़ने वाला है आगे? दो ही मूवी में दम देखने को मिल रहा है, दो नहीं एक ही मूवी में दम देखने को मिल रहा है हाल फिलहाल में, टाइगर 3 में, क्योंकि डंकी और सालार इन दोनों में होने वाली एक क्लैश, क्योंकि अगर ये दोनों का क्लैश नहीं होता तो यस हम मान सकते थे कि ये मूवी इनका रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो जवान भाई अभी तो ये और चलेगी, रनिंग टाइम इसकी और चलेगी 35 दिन तक मैं कह रहा हूँ इसकी सॉलिड ग्रोथ होने वाली है, अच्छी खासी इनकम देखने को मिलने वाली है। हाँ, मिशन रानीगंज मूवी जब आएगी अक्षय कुमार की, तब थोड़ा और डिप देखने को मिल जाएगा, बट हु नोज, मेकर्स फिर वहाँ पर कोई मस्खरी कर दें, बाय वन टू गेट फ्री कर दें, हु नोज, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कमाई तो इन्होंने कर ली है, अभी इन्हें कॉम्पिटिशन ही देना है। तो पूरी दुनिया से अभी तक 1055 करोड़ कमा चुकी है, और अभी और कितनी कमाई कर सकती है? मैं लाइफ टाइम कलेक्शन मान के चल रहा हूँ जवान का 1150 करोड़। आपकी क्या राय है? क्या मूवी 1150 करोड़ कंप्लीट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।